हैं और वो इस वक्त जेल में बंद है। जेल में बंद आदमी जो एक दिन चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, जहां पर सिक्स कॉर्नर फाइट है, जहां आपकी जिला प्रमुख लड़ रही है आपके टिकट पर, जहां पर संसदीय सचिव लड़ रहे हैं राजस्थान सरकार के कांग्रेस के टिकट पर, जहां रामचंद्र चौधरी जो दिग्गज हैं डेयरी आंदोलन के वो लड़ रहे हैं, जहां आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष बगावत करके लड़ रहा है, वहां जेल में बंद एक आदमी आगे चल रहा है, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? देखिए ऐसा है कि वो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का नेता रहा है और शायद कांग्रेस का अपरोक्ष रूप से साथ रहा होगा। अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, तब उसका विश्लेषण करेंगे। अभी ये छोटे मोटे रुझान के आधार पर हम अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकते। पर अनिल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि समाजों को पीछे रख करके राज्य का विकास नहीं हो सकता। ये जो असंतुलित विकास पहले हुआ ना, अगर सब समाजों का, सब क्षेत्रों का विकास अगर समुचित रूप से होता, संतुलित रूप से विकास होता, तो ये जो उतार और चढ़ाव हमको देखने को मिलता, जो गुस्सा नजर आता है, ये गुस्सा आपको कभी नजर नहीं आता। कांग्रेस ने वहां काम किया जहां उनको 5 वोट मिल सकते थे। मैंने कहा ना, वहां उन्होंने जहां 100 वोट दिखे वहां उन्होंने लट्टू लगाया, जहां 200 वोट लिखे वहां हैंडपंप खोद दिया, जहां 300 वोट हुए वहां डामर का ड्रम डाल दिया। ये जो वृत्ति रही कि वोट के आधार के ऊपर विकास नहीं, आपके वोट के आधार पर आप सत्ता पे आए, मैं आज कह सकता हूं कि अब किसने हमको वोट दिया, किसने हमको वोट नहीं दिया, किसने कांग्रेस को वोट दिया, आज के बाद वो विषय हमारे सामने नहीं होगा। आज राजस्थान की 6 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या, तो सबने हमको सहयोग किया और हम सबके विकास की कल्पना करके चलेंगे, सबके विकास को सफलीभूत करने का हमारा प्रयास होगा। जब आप शासन में आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है अनिल जी, इस बात पर मैं आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहता हूं ईटीवी के मार्फत, कि 3 दिन पहले माननीय अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आया कि इतना काम करने के बाद भी यदि हमको वोट नहीं मिलेंगे तो काम क्यों करेंगे, कोई भी काम क्यों करेगा। तो क्या श्रीमान अशोक गहलोत जी, आपने जिस दिन मुख्यमंत्री में संविधान की शपथ ली थी उस दिन आपने वोट के लिए शपथ ली थी? आपने कल्याण की बिना राग, बिना अनुराग, बिना पक्ष, बिना पात आपने राज्य के विकास के लिए संविधान सम्मत काम करने की शपथ ली थी। परंतु आपके जहन में यह जो बात आई कि आप तो जो कुछ कर रहे हैं वो वोट ओरिएंटेड कर रहे हैं, यही हम आरोप लगा रहे थे कि आप कुछ वोट प्राप्त करने के लिए राजनीति की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, आप राज्य की जनता को उसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य की जनता के सामने सही मुद्दों से आप भटकाना चाहते हैं, राज्य के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, इन्होंने हर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। कभी आकर हमारे नेता पे आरोप लगाए, कभी उन्होंने 4 रोटी की बात कर दी, कभी भी आकर एक शब्द नहीं कहा कि रुपए की गिरावट क्यों नहीं हुई, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि महंगाई और प्याज 100 रुपए किलो क्यों बिक गया हिंदुस्तान के बाजार के अंदर, कभी नहीं कहा कि रसोई के गैस का भाव क्यों बढ़ा, कभी इन्होंने नहीं कहा कि किसान के लिए खाद और बीज नकली क्यों दिया गया, कभी इन्होंने इस बात पर चिंता नहीं की कि हम 5 साल शासन में रहने के बावजूद बिल्कुल स्कूल में टीचर क्यों नहीं दे पाए। और बिल्कुल, तो अपने अपने तर्क हो सकते हैं, किस तरह के समीकरण है उनकी वानगी पेश करने की कोशिश की जा रही। लखावत जी को भी एक तस्वीर हम दिखा देते हैं, उनकी नेत्री तस्वीरों में हमें नजर आ रही, झालावाड़ से ये तस्वीरें हैं, झालरापाटन में आगे चल रही राजे, लेकिन पूरे प्रदेश में डंका बजा बीजेपी का, 139 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही और राजे का जोरदार इस्तकबाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं झालावाड़ से, बांसवाड़ा से मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके, पूजा पाठ करके, और जिस तरह से बीजेपी की बढ़त सामने आई उसके बाद अब वो पहुंची हैं अपने गृह क्षेत्र और यहां पर उनका जोरदार अभिनंदन किया जा रहा, स्वागत किया जा रहा। तस्वीरें जरा देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता भी इस वक्त उनकी भावी मुख्यमंत्री को देख रही है। तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा, अगले 5 साल तक वसुंधरा राजे आपकी सीएम होने वाली हैं और जीत का जो जश्न है किस तरह से कार्यकर्ता मना रहे हैं वो तस्वीरें जरा देखिए। और साथ ही साथ आंकड़ा भी आपको बताते चले, 199 में अगर बात की जाए, 187 के रुझान हमारे पास, 139 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों का भी जिक्र कर ले, मध्य प्रदेश में शिवराज की वापसी हुई है, छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है, कभी बीजेपी आगे है तो कभी कांग्रेस, और दिल्ली में त्रिशंकु की स्थिति है। ये तस्वीरें झालावाड़ की है जहां पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई है और कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करें। जरा ध्वनि सुनाने की हम कोशिश करेंगे, किस तरह का शोर है वहां पर। तो बिल्कुल शोर जो है वो दिलों में है, जज्बातों में है और हवा में शोर है, और जीत का ये जश्न है, जश्न कुछ इस कदर मनाया जा रहा है, नेता का इस्तकबाल किया जा रहा, स्वागत का ये नजारा, झालावाड़ से ये तस्वीरें, और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस की जो सीटें हैं 25 से ऊपर कभी बढ़ नहीं पाई हैं अभी तक, जिस तरह से आंकड़ा टैली जो चल रही है, 187 के रुझान हमारे पास है। और झालावाड़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं के बीच में स्वागत किया जा रहा है, राजे के सर पर राजस्थान का ताज सजने जा रहा है।
और जिस तरह से वो कह रही थी कि उनको पहले से ही विश्वास था कि जीत उनकी होने जा रही है, प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी। और लाखावत साहब को भी हम दो दिन पहले जब सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने बड़े ध्यान से देखा है मोदी और महंगाई का जो करिश्मा है और कहीं ना कहीं राजे का जो करिश्मा है खासतौर से नजर आ रहा है। और सांसद दुष्यंत सिंह भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मां का उन्होंने साथ दिया और जिस तरह से ये चुनावी बैतरणी है इसको पार करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से यूथ वोट को मोबिलाइज किया है, युवाओं को आगे किया गया है, युवाओं को सपने दिखाए गए हैं, 15 लाख रोजगार की बात भी कही गई है, यूथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ग्रामीण इलाकों में जब मतदान होता है तो कहीं ना कहीं जो विश्लेषक थे वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि गहलोत की जो योजना है वो कारगर है, लेकिन लगता यह है कि मोदी का चाय वाले की जो इमेज थी वो सामने आई है और वो वोट में तब्दील हुई है। अब युवाओं का जोश भी है और सत्ता की वापसी है, 5 साल का वनवास एक तरह से खत्म हुआ, महारानी को राजपाट सौंपा जाएगा और अब स्वागत का ये जो नजारा है उनके बेटे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं दुष्यंत सिंह, और जिस तरह से महेश हम तस्वीर देख पा रहे हैं खुशी का ये नजारा है। जी बिल्कुल अखिलेश, निश्चित रूप से वहां पर खुशी का नजारा है, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन और कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति है वो पूरा यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं केवल झालरापाटन से ही नहीं, झालावाड़ की चारों सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी यहां पर वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के लिए होगी, भाजपा के लिए होगी कि पूरे प्रदेश में जो अभी तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास उसमें 139 सीटों पर आगे चल रही है। निश्चित रूप से एक सफाया जैसा यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक सफाया जैसा है और जो जादुई आंकड़ा है 133 का उसके पार जा चुकी है। तो निश्चित रूप से झालावाड़ के झालापाटन के जो लोग हैं, झालावाड़ के जो लोग हैं वो अपने मुख्यमंत्री का कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का वहां पर इस्तकबाल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस समय जो पूरी वहां पर जो उनके उनके पीछे जिस तरह से झालावाड़ में दुष्यंत सिंह, निहारिका राजे इन लोगों ने वहां पर जो प्रचार किया वो यहां पर बिल्कुल उसका फल मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बिल्कुल महेश जी, इस समय हमारा लोगो सामने नजर आ रहा है, उम्मीद ये करेंगे कि हमारे रिपोर्टर से राजे बात करेंगे क्योंकि खाली झालावाड़ नहीं पूरे हाड़ौती में डंका बजा है, हाड़ौती में सूपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, अभी मीडिया से बात करने का उनका मन नहीं है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिस तरह से जोश है कार्यकर्ताओं में और मैडम जो है अब सत्तासीन होने जा रही हैं, ये नजारा है। पूजा पाठ में व्यस्त रही, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद झालावाड़ पहुंची हैं और यहां पर किस कदर स्वागत है और ये स्वागत का जो क्रम है लगातार जारी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा जब तक सत्ता में शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी है और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी अपने आप में रोचक है। एक तरह से ऐतिहासिक जनादेश बीजेपी को यहां पर मिलता दिख रहा है, 139 सीटों पर भाजपा लीड कर रही है, 27 सीटों पर कांग्रेस सिमट रही है, कह नहीं सकते। हालांकि अशोक गहलोत ने दो दिन पहले कहा था कि अगर विकास करने के बाद भी हार मिलती है तो बड़ा सोचनीय विषय हो सकता है, लेकिन ये वो कहना भूल गए कि विकास जो है निरंतर होना चाहिए क्योंकि शिवराज सिंह ने मिसाल पेश की है, पिछले 15 साल में वहां पर विकास लगातार चल रहा है बीजेपी की जब से सत्ता है। और अगर बात की जाए यहां पर पिछले 1.5-2 साल में जो काम हुए वो जनता को लगा कि एंड वक्त पर किया हुआ काम है। महेश जी ये बिल्कुल, और जो जिस तरह की खुशी की बात है वसुंधरा राजे के लिए वो शायद मीडिया को यही कह रही कि अभी मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो आंकड़े आ रहे हैं प्रदेश भर से वो वही सब कुछ बयां कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति की कि राजस्थान में नई सरकार, नया राजस्थान जो उनका नारा था, नया राजस्थान बनाने की बात हमेशा उन्होंने अपनी स्वराज संकल्प यात्राओं में कही है। तो अब त्रिपुरा सुंदरी से जो सफर आज सुबह उन्होंने शुरू किया था वो झालावाड़ आ गई है, वो झालावाड़ आने के बाद अब शाम को जब पूरे स्थिति क्लियर हो चुकी है वैसे अब वो उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम है जहां पर कल वह वरिष्ठ नेताओं से मिलेगी और राज्य में सत्ता गठन के बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। यहां पर उनके साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं दुष्यंत सिंह से उनकी बातचीत चल रही है और पूरा फीडबैक, पूरे हाड़ौती का फीडबैक, पूरे राज्य का फीडबैक वहां पर लिया जा रहा है। हाड़ौती में इस बार कांग्रेस जहां पिछली बार 9 सीटों पर थी और भाजपा 8 सीटों पर थी, इस बार हम बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल बड़ा युवा तीन तुर्क है, तीन तुर्कों की मैं बात करना चाहूंगा जो प्रहलाद गुंजल हैं और ओम बिरला हैं और भवानी सिंह राजा होते हैं, ये तीनों यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राजे के राजतिलक की अब तैयारियां होंगी और जिस तरह से हमने 1 तारीख को कहा था राजस्थान की जनता ने 75% मतदान करके जय जय राजस्थान कर दिया और राजे का नारा भी जय जय राजस्थान का था और अब पूरे प्रदेश में जय जय राजस्थान का नारा गुंजाई देगा, सुनाई देगा। जिस तरह से हम देख पा रहे थे
तस्वीरें। राजे जो थी पहले से ही आत्मविश्वास से लबरेज थी और कहीं ना कहीं विश्लेषक अब किस तरह से बॉडी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करेंगे, हाव भाव चाल सब देखेंगे। कहीं ना कहीं युवाओं का जोश जो है उसको रोजगार चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ गई। महेश जी बिल्कुल, युवाओं के कंधे पर हम कह सकते हैं कि युवाओं की एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें युवाओं की भागीदारी भी निश्चित रूप से अधिक होगी। वसुंधरा राजे इस चीज को जानती है कि कहीं ना कहीं युवाओं ने जो मत प्रतिशत बढ़ाए वो युवाओं ने ही यहां पर भाजपा सरकार लाने का काम जो दिख रहा है आंकड़ा 140 का आंकड़ा हो चुका है, जहां पर बढ़त लिए हुए कांग्रेस 27 पे है, डॉक्टर किरोड़ी मीणा की पार्टी 7 पे है, बसपा 3 पे है और अदर्स 12 पे यहां पर लीड बनाए हुए हैं। हम स्टूडियो में एक बार अनिल जी के पास वापस जाएंगे और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो दवा के ऊपर जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या वह अवकाश सिंह जी लखावत तो उसको सही मानते हैं या बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई उसका कोई प्रभाव पड़ा इससे इस पे दवाओं का या दवाएं फेल हुई है? सही योजनाएं थी सरकार के पास, सरकार की योजनाएं सही थी लेकिन वह आम जन तक नहीं पहुंची। अनिल जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? कि देश का परिदृश्य ही बदला हुआ है पूरे, और जब आप राजस्थान में जीतने के बाद केंद्र का लिए वोट मांगते हो तब कहते हो कड़ी से कड़ी मिलाओ, तो लोग इस बात को ध्यान रखते हैं। अगर उन्हें केंद्र में बदलना है तो हो सकता है कि वो कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए उसकी भूमिका तैयार करते हैं यहां पर। इसलिए आप दो तरह की तरक्की दे सकते हैं, जब आपको वोट मांगना हो तो कड़ी से कड़ी मिलाओ, और जब सामने वाले कड़ी से कड़ी मिलाने की बात करें तो नहीं, हमारे राजस्थान के लिए अलग तरह से वो सोचो, वहां के लिए अलग तरह से सोचो। मेरी इस बारे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात हुई थी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी बात हुई। मैंने उन्हें हमेशा ये बताया कि हो सकता है आपकी मुफ्त दवा का असर आपकी अपील भी करे। बिल्कुल वसुंधरा राजे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस तरह से हम आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम मीडिया से बात कर रहे हैं। तकनीकी खामी यहां पर है, मीडिया से मुखातिब हो रही हैं वसुंधरा राजे। जिस तरह से सत्ता हाथ में आई है, जिस तरह से जो आंकड़ा है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हमने सोचा था कि ये 120 125 तक जाएगा, परंतु ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हमने ये देखा था सुराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में तीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए। वो चाहते थे जैसे गुजरात के अंदर विकास की राजनीति चलती है और स्वाभिमान और कीमत वहां की जनता को मिलती है, इसी तरीके से वो चाह रहे थे कि हमको भी मिले। और वो लगातार 9 महीने हमें दिखाई दे रहा था परंतु किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं तो मानती हूँ कि ये जनता का है, उनकी समस्या का भी समय हमने किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं था कि जिसको हमने अछूता छोड़ा हो। सब वर्गों की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनकी मांगे थी, परेशानी थी, उन सबको दूर किया। इस शानदार गवर्नेंस चली रहा था। 2003 में सर जब कांग्रेस हारी थी, अकाल प्रबंधन को लेकर तारीफ हुई थी सरकार की, सर्वे में आपको बहुत चीफ मिनिस्टर नंबर 1 भी बताया था। अभी भी कामकाज उस तरीके का विकास हो, हमको राजस्थान की जनता को स्वाभिमान मिले, इज्जत के साथ वो रहे, किसी के सामने उनको झोली फैलाने की जरूरत न पड़े, ये सब चीजों को उन्होंने देखा है कि राज ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि उनका वोट और एक लेवल पे कि कांग्रेस और कांग्रेस के सब परिवारों से लोग तंग आ गए और ये सुन सुन के तंग आ गए कि हमने आपके लिए क्या किया है और जमीन पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इन सब चीजों को देखते हुए कंपैरिजन जब नरेंद्र मोदी जैसे के साथ होता है तो है, उसका तो फर्क तो पड़ेगा ही। अगर मैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और दिल्ली का अगर देखती हूँ तो ये तो ट्रेलर है। एक तो हमारे खुद के राज्यों की लड़ाई है जिनके अंदर तंग आ गए थे कुशासन, कांग्रेस के कुशासन से, और एक दूसरे लेवल पे आने वाली सरकार का एक ट्रेलर है। अभी तो हम लोग बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मैं निकाहूंगी पर जो भी होना है वो
वो जनता को जो जिस तरीके से हम लोग खुश कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, राजस्थान को मजबूत करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, यही हम करने के लिए वचनबद्ध वसुंधरा राजे गदगद नजर आ रही हैं जिस तरह के परिणाम और जिस तरह से वो कह रही हैं कि उन्होंने सोचा था कि 120 से ऊपर सीटें जाएंगी, लेकिन जो विक्ट्री है वो अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि 137 से ऊपर आंकड़ा जाता नजर आ रहा है। ये सुबह का नजारा, जिस वक्त हम लोग सुबह बैठ गए थे सुबह 7 बजे, उसके आसपास ही राजे पहुंची थी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में और वहां पर जाकर मत्था टेका था, पूजा अर्चना की थी महेश जी, और कहीं ना कहीं दुआओं का असर जो है इस कदर मिलता है। लेकिन अखिलेश, जो पूरी तरह से पूरे राज्य से वसुंधरा राजे के लिए खुशी की एक लहर है, लेकिन कहीं से कहीं उनके लिए एक मायूसी भरी एक खबर भी होगी कि उनके खासम खास डॉक्टर दिगंबर सिंह और डीक कुमेर से कहीं न कहीं पीछे चल रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह वहां पर आगे चल रहे हैं, तो क्योंकि एक बिल्कुल उनके एक यो का है कि सिपे सालार है, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ है उसी तरह से दिगंबर सिंह है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मायूसी भरी खबर होगी अखिलेश। बिल्कुल, थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि आटे में नमक बराबर है, एडजस्ट कर लिया जाएगा जिस तरह से सियासत में होता है, हालांकि हार हार होती है और बड़े नेता जब हारते हैं तो दिग्गजों को दुख होता है महेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो ये पूरे नमक में ही आटा मिलाने जैसा हो रहा है ये परिणाम। और मैं आपको बता दूं कि जो बात जब विकास की चल रही थी, विकास डेवलपमेंट विकास की वोटों की बात चल रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि हेमा राम चौधरी ने जो राजस्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने एक चीज कहा था कि विकास के नाम पर बहुत नहीं मिला करते हैं, तो आज बिल्कुल साबित हो रहा है उनकी बात बिल्कुल सही यहां पे निकल रही है कि कांग्रेस सरकार ने विकास चाहे करवाया गया और रिफाइनरी की बात की गई हो, मेट्रो की बात की गई हो, तो लेकिन उनके नाम पर यहां मत नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की योजना, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। मानस जो है, मैंने कहा ना कि रॉबर्ट्स कॉमन सेंस पब्लिक का इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आप देखिए पूरे राजस्थान में जो फिगर आ रहे हैं, एक ही परिणाम आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग। इतना रॉबर्ट्स कॉमन सेंस जो पब्लिक का है, जो उनका अकल होशियारी है पब्लिक की, उसको मैं मुबारकबाद देता हूं, उनको सलाम करता हूं। सर, क्या लगता है कि मायूसी सी है, क्या आपको लगता है कि काम करने के बावजूद इस तरीके के परिणाम सामने आए? कोई मायूस होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मायूस वो होते हैं जिनके निहित स्वार्थ होते हैं, सत्ता के साथ जुड़े होते हैं।
वो लोग देखते हैं अब क्या होगा, कल से क्या होगा, हमारा क्या होगा, गाड़ी घोड़ों का क्या होगा, ऐश का क्या होगा, आराम का क्या होगा। जो अहंकार में घमंड में चलते हैं वो दुखी होते हैं। हम तो मानते हैं ये तो या तो जीत या हार, हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है जिससे कि आने वाले वक्त में वो अपनी पार्टी नीति, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांतों को लागू कर सके आम जनता के हित के अंदर। उस रूप में हम काम करते हैं। सर, चारों राज्यों में बीजेपी आ गए है, बीजेपी कह रही है कि मोदी व्यक्ति से सब कुछ आ गया। वो तो ये कहेंगे, वसुंधरा जी खुद ही जो है अगर झालावाड़ में वोट मांग रही है मोदी जी के नाम से, इससे बड़ी दुर्गति किसी को हो सकती है क्या? यानी मोदी का जादू चला है क्या बात है? वो तो वो जाने जी, पर जो खुद वोट मांग रही है मोदी जी के नाम से प्रदेश के अंदर, खुद को पीछे करना पड़ा, ये उनकी सबसे बड़ी हार मानता हूं मैं जी। और खुद के जिले के अंदर भी, खुद के क्षेत्र के अंदर भी। बाकी ये कह रहे हैं कि जहां जहां नरेंद्र मोदी ने रैलियां की वहां पर बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली, इससे आप सहमत हैं? मेरा कुछ मैं तो कहूँ जो ओवरऑल जो सीनियर ऊपर के अभी तक आ रहा है, शाम तक आएगा और मालूम पड़ेगा, तब पूरी क्लियर पिक्चर होगी, शाम तक सब राउंड हो जाएंगे तब। अभी तक हालात में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी जो कुप्रचार किया गया, मैंने कहा झूठ बोले गए हमारे खिलाफ में, भ्रामक प्रचार किया गया, उसका नतीजा भी है। एक चीज कही जा रही है कि सीपी जोशी जी, अल्कोला जी, नटवर जी और जितेंद्र सिंह जी, इनके वजह से टिकट वितरण बहुत गड़बड़ रहा और वो चाहते हैं कि आप हमारा कद ज्यादा केंद्र में, ये हमारी पार्टी के इंटरनल मामले हैं। हर पूरी पार्टी के अंदर अपने अपने तरीके से टिकट बंटवारे होते हैं, वो पार्टी इंटरनल मामला होगा, वो पार्टी हाईकमांड विश्लेषण करेगी। तो बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजे सत्ता में लौट रही हैं। बड़ी खबर है राजस्थान की, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी, शिवराज राज की एक बार फिर से वापसी, छत्तीसगढ़ में उलटफेर का दौर चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे बीजेपी, और दिल्ली में त्रिशंकु के हालात बन रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लगातार ये कवरेज जारी है। www.electioncandidatesinfo.com www.electioncandidatesinfo.com बाड़ी में अब मुड़ के देखना क्या, शिव शक्ति साथ जब तो सामना क्या, शिव शक्ति पौधे इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा फसल प्राप्त कीजिए। ASG नेत्र चिकित्सालय, हम चश्मे की जांच व मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही नहीं करते, वरन ASG जाना जाता है नेत्र की जटिलतम व्याधियों के उपचार के लिए। असाध्य को साध्य, यही ध्येय है ASG नेत्र चिकित्सालय का। हम विश्व के सबसे बड़े नहीं अपितु विश्व के सबसे तकनीकोत्तम नेत्र चिकित्सालय है। देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अति विशिष्ट नेत्र चिकित्सालय श्रृंखला, तकनीकों व पद्धतियों को विस्तार से जानने हेतु डायल करें 1-800-1200-111। शुल्क मुक्त। देश की हर जिंदगी को मिलता है थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। गर्म पराठों पर माँ का प्यार मक्खन बनकर पसरता रहा, हर बार थोड़ा ज्यादा। घर जब भी देर से आया पिताजी का गुस्सा बढ़ता ही रहा, हर बार थोड़ा ज्यादा। मेरी हर जरूरत पर दीदी अपने जेब खर्च से पैसे देती रही, हर बार थोड़ा ज्यादा। गर्लफ्रेंड से जब भी मिला फरमाइशें बढ़ती ही रही, हर बार थोड़ा ज्यादा। जिस देश की हर जिंदगी को जब थोड़ा नहीं ज्यादा मिलता हो तो जमाओं पर ब्याज कम क्यों? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमाओं पर ब्याज थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। ये सारे काग भगोरे तुम्हारे खेत में कैसे भैया? जहाँ बढ़िया फसल हो वहीं तो इनकी जरूरत है। हाँ, न भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के विजया ग्रामीण खाद से है, बढ़िया फसल, भरपूर फायदा और ढेर सारी खुशी। आलू के पराठे अचार, और ये रही स्पेशल सब्जी गोल्डी अचार, प्यार से खिलाइए। मोजिका ग्रुप जयपुर में लेकर आए हैं मिडास टच 2, 3 और 4 BHK ए क्लास अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, अ प्रॉमिस ऑफ अ सस्टेनेबल एंड एफर्टलेस लाइफस्टाइल। मिडास टच फॉर अ ड्रीम लाइफस्टाइल। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.mojikas.com और कॉल 9828505898।
बाड़ी में अब मुड़ के देखना क्या शिव शक्ति साथ जब तो सामना क्या शिव शक्ति पौधे इस्तेमाल कीजिए ज्यादा फसल प्राप्त कीजिए। जनादेश 2013 आपने दे दिया और आपने जो दिया है वो कमल खिला है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है एक बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरिशंकर व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर यह है कि अशोक जैन हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ईटीवी की सक्रियता से अशोक जैन हैरान हैं। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, आरओ की सूचना से पहले ईटीवी पर खबर, किस तरह से हमारे चैनल पर इलेक्शन मतलब ईटीवी क्यों कहते हैं हम, मतगणना के आंकड़ों में ईटीवी काफी आगे चल रहा है, हैरान है अशोक जैन। रुझानों में शुरू से ही बना रखी है ईटीवी ने बढ़त, और खबर यह है कि कई राष्ट्रीय चैनलों ने हमारी टैली को फॉलो किया है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन हैरान नजर आ रहे हैं। ईटीवी की आपके चैनल की सक्रियता से अशोक जैन हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। आरओ की सूचना से पहले आपके चैनल के जरिए आप तक खबर पहुंच रही है। पहला रुझान, पहला नतीजा पहुंचाने की गारंटी हमने ली थी और कहीं ना कहीं उस गारंटी पर खरा उतरने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो रुझानों की हम बात कर रहे हैं, रुझानों में बीजेपी का कमल जो है दो जगह तो साफ तौर पर खिल चुका है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, और दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कभी पड़ला इस तरफ जाता है तो कभी उस तरफ जाता है। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर व्यास, नया इंडिया के संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। व्यास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही, पहली नजर में क्या कहेंगे अभी तक के जो रुझान है? देखिए, अभी तक के रुझान में जो पहली प्रतिक्रिया अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जो हुई है, वो दोनों उस प्रतिक्रिया पर एक विश्लेषण विचार किया जाना चाहिए। और दोनों एक तरह से जो जैसे रुझान आए, अशोक गहलोत सचमुच में हैरान है कि ऐसे नतीजे, इतने कम नतीजे कैसे आए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वसुंधरा राजे ने जरूर ये कहा है कि उनको 120 से ऊपर की उम्मीद थी, लेकिन इतने आएंगे तो वो भी एक तरह से हैरान है। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी या वो खुद, उन्होंने जिस तरह संकल्प यात्रा में उनको जो जिस तरह समर्थन मिला, तो उन्होंने पहले बूझ लिया था कि हमें अच्छा खासा समर्थन मिलेगा, हमें अच्छे मत मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को भी श्रेय दिया और पूरी टीम को श्रेय दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इससे उनकी राजनीतिक, और खास तौर पे ये कि ये पूरे भाजपा हाईकमान के मूड को बताता है। चारों राज्यों में भाजपा ने जैसा प्रदर्शन किया है उससे अब मतलब राजस्थान में जोश है, उत्साह है, लेकिन बुनियादी तौर पर उनको दिल्ली की लड़ाई आज नजर आ रही, उसके तस्वीर उसमें उससे भाजपा के नेताओं में जोश और एक बिल्कुल आश्चर्यजनक जोश बनता हुआ लगता है। और नरेंद्र मोदी बाकी क्षत्रपों के साथ एक और एक 11 का कॉम्बिनेशन बनता है और उससे भाजपा मुकाबला दे सकती है, ये एक विश्वास, ये एक भरोसा भाजपा में बनता हुआ लगता है। बिल्कुल, प्रदेश स्तर पर हम चलने की कोशिश करेंगे, एक एक प्रदेश को हम छू लेते हैं। राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि राजे का मैजिक चला और मोदी का मैजिक भी यहां पर चलता दिख रहा, और महंगाई मोदी और राजे तीन यहां पर MMR कहा जा रहा था, और MMR का असर जो है कि वोटिंग परसेंटेज 75 हो जाता, यूथ घर से बाहर निकलता है, युवाओं में जोश जागा है, लेकिन अपेक्षाएं बढ़ गई। जी बिल्कुल, उम्मीदें बढ़ गई और यही अगली सरकार की वसुंधरा राजे इनकी चुनौती होगी कि वो उन उम्मीदों को कैसा पूरे करें। लेकिन मेरा ये जो 75% मतदान और ये जो आंधी आई है, ये निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का ये करिश्मा, इस करिश्मे की राजस्थान के संदर्भ में महत्व ये है कि वसुंधरा राजे ने तमाम जो बड़े नेता, जो जातिगत नेता हो, भले वो गुर्जर नेता बैसला हो, भले विश्वेंद्र सिंह जाट नेता, या विश्वेंद्र जो जाट को लेकर जो कांग्रेस ने जो राजनीति की, या मीणा किरोड़ी लाल, या इवन भाजपा के अंदर भी मान लीजिए रामदास अग्रवाल, ये जो तमाम भाजपा के अंदर जो असंतोष या जो नाराजगी, या जो घनश्याम तिवारी, ये तमाम इन तमाम जातीय नेताओं के बावजूद वसुंधरा राजे अपने बूते, अपने करिश्मे से, अपने अकेले चलते हुए राजस्थान में जो ये नतीजे लेकर आई है, ये अपने आप में अनहोनी है। और दूसरा ये कि राजस्थान में जातीय राजनीति का पैरामीटर वो जो टूट रहा है, ये भी इससे प्रमाण मिलता है। और जिस तरह से मेवाड़ा और हाड़ौती का हम जिक्र कर रहे थे, दोनों जगह मोदी की सभाएं भी हुई, भीड़ भी खूब आई, और ऐसी भीड़ आई कि यहां पर लोगों को जगह नहीं मिली।
जिसके बाद नतीजे जो है बिल्कुल लैंडस्लाइड है यहाँ, बिल्कुल लैंडस्लाइड है। और हर बड़े शहर के अंदर लगभग हर जिला मुख्यालय में भाजपा जीती है, और लगभग जो मेवाड़, हाड़ोती और इधर ये मतलब ये भी बहुत हैरानी कि अलवर मत्स्य वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। कई मतलब